सलमान खान की किक 2 कब होगी रिलीज? किक मूवी के सिक्वल में कौन हीरोइन होगी? इस वीडियो में आपको बताएंगे सलमान की नई मूवी की डिटेल। सिकंदर के सेट पर सलमान ने किक 2 को ग्रीन सिग्नल दिया। मूवी की थीम सलमान को पसंद आ गई। अब फाइनल स्क्रिप्ट पर काम होगा। रिपोर्ट्स मुताबिक किक का सीक्वल 2026 के बीच में रिलीज किया जा सकता है। ये टाइम पीरियड ईद का नहीं होगा बल्कि इसके बाद की डेट लॉक की जा सकती है। जिस तरह किक को 2014 के जुलाई महीने में थिएटर में दिखाया गया, कुछ उसी तरह का प्लान सलमान खान किक के सीक्वल को लेकर बना रहे हैं। सलमान की टीम की तरफ से क्लियर किया गया है कि वो 2026 की ईद पर कोई फिल्म सामने नहीं लाएंगे। ये स्लॉट दूसरे एक्टर को सलमान की तरफ से खाली किया गया है, जबकि दिवाली तक मूवी को डिले करना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि सिकंदर और किक 2 के बीच 1.5 साल का गैप हो जाएगा। ऐसे में सलमान की कोशिश 2026 के जुलाई या अगस्त महीने की है। किक 2 में सलमान के साथ उनकी पुरानी हीरोइन का दिखना तय है, यानी जैकलीन फर्नांडिस सलमान के साथ रोमांस कर सकती हैं। इस सिलसिले में डायरेक्टर की तरफ से बहुत पहले हिंट दिया गया था। ये जानकारी जैकलीन की फोटो के साथ शेयर करके दी गई थी। जैकलीन के लिए मूवी बहुत बड़ा चांस है क्योंकि उन्होंने सलमान के साथ रेस 3 के बाद स्क्रीन शेयर नहीं की और 10 साल बाद किक के सीक्वल का अनाउंस होना उनके लिए एक्साइटेड है। हालांकि क्या किक 2 में डबल हीरोइन होगी इसे लेकर कोई क्लियर डिटेल नहीं है। किक मूवी के अगले पार्ट में सलमान का कैरेक्टर डेविल का ही होगा। जिस तरह 2014 में डेविल बनकर सलमान ने धूम मचाई और 375 करोड़ से ज्यादा कमाई, उसी तरह का पैटर्न इसमें दिखेगा। कहा यही जा रहा है कि डेविल जब दूसरी बार पर्दे पर आएगा तो उसी से आगे की स्टोरी को दिखाया जाएगा। सस्पेंस और एक्शन तो होगा ही, आइटम डांस पर भी फोकस किया जाएगा। किक की USP उसका एक्शन है, इसलिए खास टीम को स्टंट के लिए हायर किया जाएगा। सलमान का आइकॉनिक ट्रेन के आगे से निकलने वाला सीक्वेंस किक 2 में दिखाया जा सकता है। एक तरह से कहें तो पुराने सलमान की झलक जल्द दिखाई देगी। किक मूवी के सीक्वल का बजट 300 करोड़ के करीब रहने वाला है। जिस तरह के VFX और क्वालिटी स्टंट किए जाएंगे उस पर अच्छा खासा खर्च आएगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि मूवी का कलेक्शन 500 करोड़ के पार पहुंच सकता है। सलमान इससे कम पर रुकने वाले भी नहीं है क्योंकि 12 सालों बाद किक का अगर डबल कलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो सलमान के हिसाब से ठीक भी नहीं होगा। सलमान की इस फिल्म को करने की वजह इसकी लगातार डिमांड है। फैंस ने हर बार सलमान खान से यही उम्मीद लगाई कि वो अपनी सुपरहिट फिल्म को लेकर आएंगे। सलमान की तरफ से भी कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर वो किक को लेकर काम करेंगे और किक का सीक्वल फैंस के सामने आएगा। कई बार सलमान इसकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर चुके थे, हालांकि प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डालने की बात कभी नहीं हुई। दोस्तों, किक के सीक्वल को बनाने की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।